जो चिकपी, मैंने यहाँ वर्ड छोले को चिकपी बोलते हैं, चिकपी है जो। तो यार आज का शूट इतना कमाल है ना, पीछे रश देख रहे हो, पहले रश देखो, बाहर ही सेटअप लगा हुआ है, कोई मेन रोड नहीं है, गली के अंदर हम खड़े हैं और यहाँ पे भाई साहब भटूरे बिकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे ही नहीं, हजारों के हिसाब से भटूरे लगते हैं। और सारा सेटअप दिखाता हूँ, फटाफट आ जाओ। छोटे बच्चे से बात करता था अगर, तो ये गली के बाहर ही सेटअप लगा हुआ है, सेटअप चेक करो, सामने बिल्कुल भटूरे फ्राई हो रहे हैं आंखों के सामने। अब ये ना भटूरे में वो दिल्ली पहाड़गंज स्टाइल लग रहे हैं, और ये चेक करो जी, एक साथ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 चार प्लेट इकट्ठी कढ़ाई के अंदर लगी हुई है, अंदर कस्टमर जैम पैक माहौल है। और हमारे साथ भी भैया ट्राई कर रहे हैं, इनसे मिलते हैं। भैया नाम क्या सर आपका? समय दीन। क्या बात है, समय दीन भैया का नाम है। ये वो इंसान है जो समय साथ लेकर घूम रहे हैं। तो भैया ने भटूरे फ्राई कर रहे हैं, इनका हाथ फ्री, अब देखते हैं कि भटूरों का खजाना कहाँ पे, भटूरे पड़े हुए हो रहे हैं। वो अभी कुछ बोलने वाला था सेंसर्ड वर्ड में, बट यार ये चेक करो, अब आप ये भटूरों की ना लाइन चेक करो, एक लाइन के अंदर 25 से 30 भटूरे हैं, और आप लाइन में गिन लेना भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब काउंटिंग नहीं कर सकती। और ओनर है ना जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा जो पतीला है ना, ऐसे 3-4 होते हैं अभी खाली हो चुके, लास्ट ही रह गया, और अंदर जो माहौल है ये आपने ना अभी 10% देखा है, अंदर जाओगे तो हैरान हो जाओगे, अंदर का क्राउड और अंदर के छोले का पनीर का सेटअप बहुत ही बढ़िया है। पाजी पूरी फिल्म फिर चलो चलो आओ पाजी, यहाँ की है पाजी, ये खजाना है जलंधर का। ये अब ये अगर मैं इसको बोलूँ ना हिडन जेम जलंधर का, तो इसको एक दो राय नहीं है कि ये जलंधर का हिडन जेम है। क्या बात है भाई साहब, ये तो छोटे बच्चे से बात करता था बिल्कुल भाई साहब, आपको लग रहा होगा कैसी कमेंट्री कर रहा हूँ, पर भाई मैं देख के रन हो रहा हूँ, इतना बड़ा क्लोजअप दिखा रहा हूँ सर, इतना बड़ा बाथटब कह रहा हूँ, छोलों का टब इतना बड़ा मैंने आज तक अपने यूट्यूब की वीडियो में किया नहीं है, ना मैंने लाइफ में देखा है। अब ये देखो कड़छी चलती, मतलब इसमें एंड से लेके अगर स्टार्टिंग तक कच्ची लेके आनी है ना, तो भाई 6-6.5 फुट का बंदा चाहिए, या तो 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए छोला ही लाने के लिए। अब ये प्लेट पे प्लेट लगती जा रही है, किसी के पास ना यहाँ पे टाइम नहीं है, और आप किसी को तंग भी नहीं कर रहे। अब थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, ये क्या सर? ये है जी पनीर की सब्जी। वाह, ये छोले के ऊपर डाल के दिए जाती है। क्या बात है, ये तरी वाला पनीर है या तो छोलों के ऊपर? बेसिकली ये जो छोले हैं ये हैं तड़के के बिना। अच्छा, और जो पनीर के अंदर सब्जी है ना इसमें तड़का है सर। क्या बात है, तो ये देखिए क्यूब से की रही है बहुत। अब पेटू भाजी हमारे गाइड बने हुए यहाँ पे पूरा सेटअप दिखा रहे हैं, ये है जी चटनी। और यार ऐसा सेटअप पेटू भाजी हमारे शहर में हो ना, तो रश से ज्यादा हो, तो यहाँ भी तो इतना ही रश है। क्या बात है, ये आगे जी चावल, और ये ठंडा रहता जो रहता भी साथ देते हैं। ये नजारा देखिए आप, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। अब यार पूरा टेबल भरा हुआ, मैं आपको पीछे से एक शॉट देता हूँ, आपको पता लगेगा क्या चीज है। कस्टमर्स बाहर खड़े हैं और अंदर जैम पैक है पूरा, लोग भरे हुए हैं और खा रहे हैं छोटे। अजय तो अजय सर क्या हाल है सर? ठीक है सर, थैंक यू सर, तुमने अपना बहुत सुपर बिजी शेड्यूल से टाइम दिया। हाँ जी, हाँ जी सर, होता क्या क्या अपने पास एक बार बता दो। मेरे पास में छोले भटूरे होते हैं जी, ठीक है, छोले और चने राइस होते हैं, चने राइस रायता होता है, सलाद होता है। एक सर कॉम्बो बड़ा मेरे को सुनने में आ रहा, लोग कहते हैं कॉम्बो बहुत कमाल है, ये कब हो गया? ठीक है, कॉम्बो में एक भटूरा होता है, राइस होते हैं, ठीक है, और सलाद होता है, रायता होता है, बहुत ही बड़ा, और प्राइस इसका 60 रुपए है। पूरे के साथ दी जाती है मसाले वाली मिर्च। अब ये है जी आंवले का अचार, और क्वालिटी चेक करो जहां भैया। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बल्क वाला काम है सर। सुबह कितने बजे शुरू कर देता हूँ बनाना? सुबह तो हम 5 बजे कर देते, वैसे काम स्टार्ट हो जाता है 9 बजे, काम रात 9 बजे और 5 बजे चालू हो जाता है। तो 4-5 घंटे लग के तो ये साम्राज्य तैयार होता है, आप देख लो ना सामने छोले भटूरे का, ये चीज़ बनाई जाती है जी। छोले चेक करो जी, बिना तड़के वाले छोले हैं, इनका तड़का नहीं लगा होता, और तड़का होता है वो सब्जी के अंदर, बहुत ही। सर नाम क्या आपका? संतोष कुमार। ये कितने किलो छोले हो गए संतोष जी? 75 किलो। ये जो परात आप देख रहे हो ना सामने, ये 75 किलो की परात है, 75 किलो। वो भाई साहब ये चेक करो, जो बाहर का बैठा वो पूरा भर गया, पूरा पतीला छोले का है, मेरे देखते देखते तीसरा पतीला यहाँ पे खाली हो। अब ये देखो जी बुलेट ट्रेन की स्पीड तो होती है फीकी, ये है जी असली स्पीड, गोली गोली फीकी है। ये देखो 3-3 प्लेटें एक साथ, क्या बात है, आपका जी फुल चार्ज है इस टाइम। यहाँ पे चेक करो यार, अभी मैं अंदर आया ना हॉल के अंदर, कस्टमर्स बैठ के खा रहे हैं, और पूरा जैम पैक है, और जो छोले
सर दिखाना एक बार, और जो छोले रिफिल करवाना, सलाद रिफिल करवाना, वो आपके टेबल पे हो जाए, टेबल पे सर्विस देते हो। तो रश पूरा जैम पैक है, अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ मैं, प्लेट लगवाते हैं और आपको फाइनली प्लेट दिखाते हैं, चीज है क्या जिसके पीछे इतना ज़्यादा रश है। तो अजय भैया हमारे लिए प्लेट लगा के दे रहे हैं, यानी बड़े बिजी कस्टमर्स को एक मिनट वेट करवाया हमारे लिए प्लेट लगानी है। अब ये सब क्या है, छोले और पनीर? ये छोले है, ये पनीर है, ग्रेवी। पनीर की ग्रेवी होता क्या अपना? ये तो ग्रेवी होती है, सब्जी प्याज और टमाटर होता है, बीच पनीर होता है। अब ये आ गया जी चटनी, साथ में आई जी गाजर और प्याज। प्याज ये आ गया, रायता जी। अब ये चेक करो जी, एकदम ठंडा रायता। ये रायता हो गया और ये अचार हो गया। अच्छा नीचे खजाना भी आएगा, ये नीचे से आ रहा जी हरी मिर्च और आंवले का खजाना। ये हो गया जी, ये राइस हो गए। सर कॉम्बो कितने का जी? ये 60 रुपए, सिर्फ 60 रुपए का। बहुत ज्यादा कम प्राइस है, बहुत ही ज्यादा कम। अब ये आया जी गर्मा गर्म फूला और भटूरा, और ये कॉम्बो चेक करो आप। अभी ये प्लेट मत देखो, पीछे देखो आप, अभी भी भटूरे यार फुल स्पीड में ना शाह वो चल रहा है काम, लगातार भटूरे भटूरे। अब ये आओ मेन चीज, ये देखो जी चावल, साथ में एकदम फूला बढ़िया भटूरा, अचार आंवले का, मिर्ची का, गाजर का, ढेर सारा प्याज, रायता ठंडा ठंडा बूंदी वाला, और ये देखो जी पनीर की ग्रेवी वाले छोले, बीच में अब पनीर, और इतना रश है वीडियो के अंदर, इतना रश है वीडियो में नहीं, दुकान में इतना रश है, और रश है जी छोले भटूरे का। लोग सुनने में जलंधर के यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, और उनका बस चले तो डिनर भी हो जाए, पर डिनर तक ये ख़त्म हो जाते हैं। तो आओ फटाफट भटूरे दिखाते हो है क्या चीज़, ऐसा क्या मज़ा है जो इतना रश है। एक प्रांत के अंदर अभी भैया ने बताया, एक प्रांत में 900 भटूरे होते हैं, चार प्रांतें लगती है, कैलकुलेशन करके ना मल्टीप्लाई, मेरा मैथ कम जो ना कमेंट जरूर कर रहा, भटूरे कितने हो गए एक दिन के। अब ये देखो जी, ओहो अकेले छोले बताता हूँ, ये छोले हैं, जो पनीर की ग्रेवी है ना वो स्पाइसी नोट पे है, तो दूसरी वो प्लेन है, दोनों को मिला के खाओगे स्वाद तभी आएगा। मतलब यार ये भटूरे छोले जो हम नॉर्मल मैं लुधियाना में हूँ, लुधियाना में खाता हूँ, वैसा स्वाद नहीं है। जो चिकपी, मैंने यहाँ वर्ड छोले को चिकपी बोलते हैं, चिकपी है जो, बहुत सॉफ्ट है, मसाला फुल ऑन है। अब ये जो रायता ना, ये इसी वजह से दिया जा रहा है कि भाई इसके मसाले को बैलेंस करने के लिए, कैंट माहौल है। ये देखो चावल, ये भी ट्राई करते हैं। मतलब आइटम कमाल की है, और ऐसी आइटम है जलंधर में अगर आ रहे हो या जलंधर रहते हो तो मिस मत करना, दुकान देख लो, रश देख लो, माहौल देख लो, स्वाद तो देख ही लो, बता ही दिया मैंने, तो आ जाओ फिर, और क्या देखना, आ जाओ।